वेलकम टू माई चैनल फ़न फूड्स विद कुसुम। हाय फूडीज, कैसे हैं आप सब लोग? शाम का टाइम हो और बाहर बारिश हो रही है और चाय के साथ अगर आपका कुछ इस तरीके का स्नैक्स खाने का मन कर रहा हो जो बहुत जल्दी भी बन जाता है, बहुत यम्मी क्रिस्पी और बहुत टेस्टी भी हो, तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी ही रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सूजी के फिंगर्स, ये एकदम न्यू रेसिपी है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। ये बच्चे बड़े सभी की बहुत ज़्यादा फेवरेट होगी। तो आज चलिए मेरे साथ इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। सूजी फिंगर्स बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर एक पैन और उसके अंदर डाल रही हूँ मैं ये आधा चम्मच घी। आप यहाँ पर घी की जगह तेल का भी यूज़ कर सकते हैं और घी बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, इसमें आधा चम्मच ही घी डालना है हमको। उसके बाद यहाँ पर लिए मैंने 4 से 5 लहसुन और उसको बारीक बारीक चॉप्ड कर लिया था, इसको ऐड कर दूँगी मैं पैन में, ये देखिए। और इसको हमें सॉटे करना है तब तक जब तक इसका कच्चापन ना निकल जाए। इसे हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन होने तक नहीं भुनना है, इसका बहुत बढ़िया टेस्ट निकल के आता है फिंगर्स में। यहाँ पर लहसुन भुन चुकी है तो मैं उसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 कटोरी सूजी। यहाँ पर आप सूजी मोटी या बारीक कुछ भी ले सकते हैं। सूजी को हमें बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, थोड़ा सा मिक्स करके उसके अंदर अब मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पर 1/2 गिलास पानी। ध्यान रखिएगा यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा ऐड मत करिएगा क्योंकि सूजी का हमें डो बनाना है। अब मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ और इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो सूजी है पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर जो ये सूजी है अच्छे से मिक्स हो चुकी है पानी के साथ, हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको हम ढक के रख देते हैं 5 मिनट के लिए ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। ये देखिए सूजी यहाँ पर अच्छे से फूल चुकी है, 5 मिनट हो गए हैं। तो हम इसको अब हाथ से अच्छे से मसल लेंगे ताकि जो सूजी है वो अच्छे से चिकनी हो जाए। फिंगर्स बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल, उसके अंदर डाल देंगे ये सूजी, जो सूजी हमने फुला के रखी थी इसको हम ऐड कर देंगे बाउल के अंदर। उसके बाद डाल रही हूँ मैं इसमें 2 उबले हुए आलू और इनको मैंने ग्रेट कर लिया था। आप यहाँ पर ग्रेटेड आलू ही डालिएगा, मैश किए हुए आलू में गुठलियाँ रह जाती हैं तो फिंगर्स अच्छे से नहीं बनते। इसके अंदर जाएगा 1 हरी मिर्च और ढेर सारा धनिया। आप हरी मिर्च अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना आपको तीखा चाहिए। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून लेमन जूस और उसके बाद इसके अंदर जाएगा स्वाद के अनुसार नमक। इसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला जाएगा और 1 टीस्पून इसमें मैं अमचूर पाउडर डाल रही हूँ ताकि जो खट्टा खट्टा टेस्ट फिंगर्स में निकले। उसके बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्स। ये मैंने 2 ब्रेड ली और मिक्सी में इनको ग्राइंड कर लिया, इससे बहुत ही कुरकुरापन आता है फिंगर्स में और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी स्नैक्स है, आप इन्हें बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं या बच्चों को वीकेंड में कुछ खाना है अच्छे से आप तब भी इनके लिए बना सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से आपस में मिक्स हो चुकी हैं और डो कितना बढ़िया सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है और बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, तो इसका मतलब डो बहुत बढ़िया बना है। अब बनाएंगे हम यहाँ पर सूजी फिंगर्स, तो थोड़ा सा डो लेके दोनों हथेलियों के बीच में इस तरीके से रोल करेंगे ताकि ये एक स्टिक की तरह लंबा हो जाए। बहुत लंबा शेप नहीं रखना है, मीडियम शेप रखेंगे हम फिंगर का। और ये देखिए बहुत ही ईजिली बन के रेडी हो जाते हैं। इसके बाद जो ब्रेड क्रम है उसमें हम फिंगर्स को इस तरीके से कोट कर लेंगे, ये वही ब्रेड क्रम है जो हमने अभी डो में डाला था। और ये देखिए इस तरीके से ये हो गया एक रेडी और इसी तरीके से हम अपना दूसरा भी रेडी कर लेते हैं। ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करने से बहुत ही बढ़िया जो कुरकुरापन आता है फिंगर्स में और बहुत ही टेस्टी भी होता है, तो इसी तरीके से हम अपने सारे फिंगर्स रेडी कर लेंगे और ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। अब यहाँ पर मैं कुछ सर्कल शेप्स के बना रही हूँ, तो इस तरीके से हम स्टिक्स की तरह लंबा करेंगे और इसके जो किनारे हैं आपस में इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। तो आप इसमें सर्कल शेप्स भी डाल सकते हैं, इस तरीके से बच्चों को थोड़ा सा चेंज भी लगेगा और उनको मज़ा भी आएगा खाने में। और इसी तरीके से हम सारे रेडी कर लेंगे। और ये देखिए ये हो गए हमारे सारे फिंगर्स रेडी। तो यहाँ पर कुछ मैंने स्टिक्स में बनाए हैं, कुछ सर्कल्स में बनाए हैं और अब इनको हम कर लेते हैं फ्राई। यहाँ पर तेल गरम हो चुका है, मैंने तेल पहले ही गरम करने रख दिया था, तो इसके अंदर ऐड करेंगे हम फिंगर्स। और ध्यान रखिएगा एक तो तेल होना चाहिए मीडियम गरम, दूसरा फ्लेम भी हमें मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम पे ये बर्न हो जाएंगे और ये बहुत जल्दी फ्राई होके रेडी हो जाते हैं, तो हमें इसको मीडियम फ्लेम में ही
सिकने देना है। ये देखिए इस तरीके से हम धीरे धीरे इन्हें सिकने देंगे। अब फिंगर्स हमारी एक साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं, तो हम इनको पलट लेते हैं। ये देखिए धीरे धीरे पलटिएगा, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं तो इनका टूटने का भी डर रहता है। और कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। और इनको हम दूसरी साइड से भी इसी तरीके से अच्छे से सेक लेंगे। यहाँ पर हमारा फर्स्ट बैच रेडी हो चुका है, तो इनको मैं निकाल देती हूँ ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल छन्नी से नीचे उतर आए। और ये देखिए कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है और क्रिस्पी भी बहुत बने हैं। इसी तरीके से हम अपना सेकंड बैच भी रेडी कर लेंगे। बस फ्लेम हमें मीडियम रखनी है और ये बन के बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं। और इसी तरीके से हम अपने सारे बैच रेडी कर लेंगे। ये लीजिए, ये हो गए हमारे सारे फिंगर्स रेडी। है ना, बहुत ही यूनिक और स्पेशल रेसिपी। और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट है। मैं आपको एक चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए बाहर से एकदम कुरकुरा और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। आप इसे धनिया पुदीने की चटनी या सॉस के साथ भी ले सकते हैं। तो आप इन्हें बनाइए और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है, उसे ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट्स करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा।